हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बनाएंगे अरबी के पत्ते के पतोड़ यानी कि अरबी के पत्ते के पकौड़े। इसके लिए लिए एक मिक्सी का जार, इसमें डालेंगे 10-12 कली लहसुन की, 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च डालेंगे, साबुत धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, उड़द धुली दाल 2-3 चम्मच पानी में भिगो ली थी मैंने अच्छे से, जब ये फूल जाएगी तो इसको डाल देंगे। ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो ना डालें। नमक डालेंगे स्वादानुसार, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे पानी डाल के थोड़ा सा। ये उड़द दाल डालने से इसमें क्रंच आ जाएगा बढ़िया सा। बेसन लेंगे 4-5 चम्मच, इसमें डालेंगे ये पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन 1 छोटा चम्मच, 1 प्याज बारीक बारीक काट के डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे छोटा वाला चम्मच, इसको भी मिक्स करेंगे। घोल बना लिया मैंने, अब अरबी के पत्ते लेंगे, इसके डंठल निकालने, जो मोटा मोटा हिस्सा है इसका हल्के हाथों से चाकू से निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे ऐसे, नहीं तो ये गले में चुभता है थोड़ा। पत्ते बड़ी ऐसे साफ किए हुए धोए हुए होने चाहिए। इसके ऊपर लगाएंगे पेस्ट, हमारा जो बेसन का और दाल का जो घोल का पेस्ट बनाया था हमने, अच्छे से अप्लाई करेंगे इसको। अब ऊपर से एक और पत्ता रखेंगे, इस पे भी लगाएंगे अच्छे से पेस्ट, एक और पत्ता इस पे भी अच्छे से, एक और लगा लिया, तो मैंने 4-5 पत्ते लगा लिए। इसको फोल्ड करेंगे साइडों से, अब इस पे भी अप्लाई कर लेंगे पेस्ट। अब इसको रोलिंग करेंगे, अच्छे सा रोल बनाएंगे इसका, टाइटली करना है इसको रोल। ये देखिए बढ़िया सा रोल बन गया है, ऐसे ही दूसरा रोल भी बना लिया मैंने। अब ये जाली वाला जो मोमो स्टीमर आता है या कोई प्लेट जाली वाली, उस पर रख दिया है और नीचे से पानी डाल दिया था मैंने कढ़ाई में, उसके ऊपर रख दिया है। भाप लगा के पकाना है इसको 15 मिनट तक। 15-16 मिनट पकने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा इसको फिर काटेंगे। अच्छे से अंदर तक पक चुका है ये, अब गैस पे तवा रख लेंगे या पैन रख लें, आप चाहो तो कढ़ाई में तेल डाल के फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ, 1-2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होगा तो इसको उल्ट पलट करके मीडियम आंच पे अच्छे से करारे करके सेकने हैं दोनों तरफ से, अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें गोल्डन ब्राउन। अब इसके लिए चटनी बनाएंगे, तब तक ये बढ़िया से करारे हो रहे हैं तो धनिया पुदीना की पत्ती ले ली, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी लहसुन डालेंगे, नमक डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, आप चाहो तो इसमें 2-3 चम्मच दही डाल सकते हो। हल्का सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, बढ़िया सी पीस लेंगे चटनी को। ये देखिए हमारी हरी चटनी बढ़िया सी झटपट रेडी हो गई है, ये भी बढ़िया से सिक गए पतोड़े हमारे। तो पतोड़ के साथ चटनी गर्म गर्म सर्व करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, पेज पर नए हो तो पेज को जरूर फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इस रेसिपी को जरूर अपने घर पर ट्राई करना। बहुत ही सिंपल और आसान और बड़ी टेस्टी रेसिपी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।